उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 मई को एक तरफ जहां पूरा प्रदेश और उससे जुड़े सरकारी तंत्र और नागरिक संगठन 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हुए श्रमिकों के अधिकार व उनके हितों को रेखांकित करने में लगे थे, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ के शहीद स्मारक के पास बने एक सीवर में बिना किसी खास सुरक्षा उपकरणों के सफाई को उतरे 2 मजदूरों की सांसें थम गईं और वो वहीं पर नगरवासियों की गंदगी की सफाई करते हुए एक तरह से शहीद हो गए। हालांकि इन मृत मजदूरों को नगर निगम क्या शहीद का दर्जा देगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जानकारी के तहत थाना बजीरगंज क्षेत्र में सीवर की सफाई के दौरान 2 सफाईकर्मियों की मौत का मामला सामने आया है, जहां शहीद स्मारक के सामने रेजिडेंसी गेट के पास बने सीवर की सफाई के लिए लगाए गए 2 कर्मचारियों को मरणासत्र अवस्था में स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों कर्मचारियों को सीवर से बाहर निकाला और मामले की सूचना नगर निगम के अधिकारियों को देकर दोनों सफाई कर्मचारियों को ट्रामा सेंटर ले जाया गया। सूचना पाकर नगर निगम और जलकल के लापरवाह अधिकारी सफाई कर्मियों की मदद करने भी देरी से मौके पर पहुंचे। लापरवाह ठेकेदारों पर जलकल विभाग की मेहरबानी, लगातार मजदूरों और आम इंसान की मौत की वजह बनता जा रहा है, लेकिन इन लापरवाही अधिकारियों को क्यों बार बार बचाने का काम महापौर और नगर आयुक्त द्वारा किया जा रहा है। भैया अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अतुल कुमार मिश्रा है, मैं यहाँ पे अधिवक्ता हूँ सिविल कोर्ट में, और यहाँ स्थिति यह हुआ कि जो है यहाँ 2 आदमी सीवर टैंक में गिर गए, सफाई करने आए थे, दोनों गिर गए। ना इनके पास कोई सुरक्षा व्यवस्था, ना कोई सेफ्टी किट थी, कुछ नहीं था इनके पास, और ये दोनों मरणासन अवस्था में निकाले गए, जो कि पुलिस बल द्वारा, वजीरगंज की पुलिस और हमारे सहयोगी अधिवक्ता भाइयों ने मदद की, जिनके कारण आज इन लोगों की जो अगर जान बची होगी तो इन्हीं के कारण बची। ना नगर निगम कोई अधिकारी आया, ना जल निगम कोई अधिकारी आया, पूरे लखनऊ शहर में यही स्थिति सब जगह बनी हुई है। करीब घटना थी ये, कम से कम 2.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटे से ये उसी के अंदर पड़े हुए थे, 1.5 घंटे से हम लोग लगे हुए हैं निकालने के लिए। आप लोगों ने किसको पुलिस ने सबको उसमें लिया और पुलिस ने सबको बुलाया, पुलिस के बुलाने के बाद ये टीम आई निकालने वाली, थाना वजीरगंज की टीम ने बुलवाया, बुलवाने के बाद आए और नगर निगम का ना कोई कर्मचारी आया, ना कोई जल निगम का कर्मचारी आया। स्थिति ये है कि इनके सबके, हमें तो लग रहा है कि प्राण भी नहीं बचे हैं, ठीक है। यही लापरवाही पूरे लखनऊ शहर में चल रही है। अभी जानकीपुरम में आप लोगों ने सूचना मिली होगी, जानकीपुरम में भी एक लड़का खत्म हुआ जिसको हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। आज यही स्थिति, ये नहीं, आप किसी भी गली में चले जाइए, हर रोड इसी तरह बनी हुई है, इस तरह गड्ढे खुले हुए हैं। मैं वोटर हूँ, किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चाले चल के शहरों के नाम बदल के नोटों को कचरा देंगे और हर निर्धन को चल दे, कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो, धोखा नहीं खाएंगे, सरकार अब ऐसी आए जो सबको दे दे जाए, उन्नति हो, हो प्रगति हो, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, प्यार लाए, अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय।